हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को, भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, इसी खूबसूरत मौसम के साथ जो है आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे मौसम में जो है पकोड़े खाना और पॉपकॉर्न खाना जो है सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इसी मौसम को देखते हुए पॉपकॉर्न। ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉर्न है ये हमारे घर की मक्की है और इसे जो हिमाचल में मोड़े की बेलरी भी कहा जाता है, तो यही हम बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए जो है मैंने पहले घी डाल दिया है और घी में मैंने डाल दिया है नमक और ये कॉर्न भी डाल दिए हैं। अब देखिए किस तरह से ये चट 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 पॉपकॉर्न बन जाएंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। घी के साथ साथ दोस्तों मैंने डाल दिया है इसमें नमक और पॉपकॉर्न डाल दिए। ये देखिए पॉपकॉर्न जो है चटकना शुरू हो गया है, तो इसमें प्रेशर कुकर सा ढक्कन लगा देते हैं हम, ताकि अच्छे से ये जो है हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो जाए। घर पर ही पॉपकॉर्न बना रहे हैं दोस्तों हम। ऐसी सर्दियों में जो है बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतने सारे पॉपकॉर्न जो है मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूल गए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं ना, रेडी वाले भैया से हम अगर एक पैकेट खरीदते हैं दोस्तों, तो उससे जो है 30 और 40 रुपये हमें जो है एक पैकेट का पे करना पड़ता है। और घर पर जो है अपना हाथों से हेल्दी जो चीज़ रहती है उसके बराबर कुछ और नहीं रहता दोस्तों। ये देखिए विहान जो है फुल इंजॉय करके जो है ये खा रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चों के लिए भी जो है सर्दियों में ये सब खाना बच्चों को अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए भी ज़रूर बनाएं अपने घर में, या तो फिर दोस्तों बाज़ार में आते हैं पॉपकॉर्न जो हम घर पे बना सकते हैं, उसमें जो है ऑयल वगैरह सब मिक्स रहता है, तो उसे प्रेशर कुकर में डाल के भी इसी तरह से ईट रेडी टू ईट वाला। तो ये देखिए दोस्तों, इतने सारे पॉपकॉर्न बना लिए हैं मैंने, और फटाफट से इन सर्दियों में इन पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं। और आप भी आइए हमारे साथ पॉपकॉर्न खाइएगा। तो चलो दोस्तों, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। कुछ पॉपकॉर्न जो है जल भी गए हैं, सब भी अच्छे तरह से नहीं होते। ये देखिए दोस्तों, इतने पॉपकॉर्न अच्छे से फूल नहीं पाए हैं, तो इन्हें हम वेस्ट ना करते हुए गाय को देंगे। और बाहर का मौसम आप देखो तो कितना खूबसूरत मौसम है दोस्तों, कितना खूबसूरत मौसम है। में जो है सफ़ेद चादर जो है बिछ चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हल्की फुल्की जो है बर्फबारी भी हो गई है दोस्तों, तो आनंदित माहौल जो है आज का बना हुआ है। अपना मस्त मगन होके जो है हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और आपको वीडियो को लाइक करना है ज़रूर से ज़रूर। ओके दोस्तों, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और सर्दियों से बच के रहिएगा। बाय बाय।